हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, नेवी, एसएसआर और डबल ए का 2 फरवरी 2020 का आपका आज का एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है दोस्तों, और सेकंड शिफ्ट के हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आए हैं दोस्तों, जो आपके स्टूडेंट्स ने भेजे हैं। ठीक है, तो दोस्तों कई स्टूडेंट्स ने पूछा था कि इसके रिव्यूज़ और आंसर्स जो है आपको बताने हैं, तो कुछ क्वेश्चंस हमारे पास आ पाए हैं, 15 से 20 क्वेश्चंस लगभग हैं, 10 से 15 क्वेश्चंस के आसपास, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आपके पास भी और भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसके बाद हम आपको एक फाइनल वीडियो बनाकर इसका बिल्कुल इसका रिव्यू मिल जाएगा आपको। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से एक इंस्टेंट रिव्यू देख लेते हैं आपका इन क्वेश्चंस का। देखिए, पहला क्वेश्चन था आपका बेल्जियम की करेंसी पूछा गया था। तो देखिए, बेल्जियम एक यूरोपियन कंट्री है, तो यूरोपियन कंट्री की जो है मोस्टली मुद्रा जो है वो आपका यूरो है। ठीक है, तो ये आपका बेल्जियम की जो है मुद्रा क्या हो जाएगी, आपका यूरो है। ठीक है, बेल्जियम की बात करें कैपिटल के बारे में, तो बेल्जियम की कैपिटल है आपका ब्रुसेल्स, और ये एक यूरोपियन कंट्री है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा यूरो करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुवैत की राजधानी है। तो दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, कुवैत सिटी है इसकी राजधानी। ठीक है, कुवैत सिटी जो है कुवैत की कैपिटल हो जाएगी। और ओवरऑल क्वेश्चन पेपर की बात करें तो मैथ और फिजिक्स जो है वो आपका मॉडरेट थी, और जबकि जीएस और हिंदी जो है वो इंग्लिश जो है वो बहुत ज़्यादा इजी थी आपकी, ऐसा स्टूडेंट्स ने हमें बताया है। ठीक है, देखिए, सिनोनिम पूछा गया था वर्थ का, इंग्लिश में सिनोनिम पूछा गया था वर्थ का। वर्थ मीन्स आपका, देखिए कई सारे ऑप्शन तो हमारे पास है नहीं, यहाँ पर पता नहीं क्या ऑप्शन दिया था वहाँ पर, लेकिन इसका देखिए 2-3 चीज़ों में आपको बता देता हूँ। देखिए, वर्थ मतलब प्राइस हो जाएगा एक, तो है ना, एक आपका कॉस्ट हो जाएगा, फिर एक वैल्यू भी हो सकता है, वैल्यू क्या है मतलब प्राइस क्या है, वैल्यू क्या है ना, कॉस्ट क्या है इस चीज़ की, वर्थ क्या है, तो ये सब इसके जो है वो सिनोनिम हो जाएंगे। आप कौन सा इसमें से दिया गया था आप देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लेइंग इट माई वे बुक के ऑथर का नाम पूछा गया था। प्लेइंग इट माई वे बुक के ऑथर हैं आपका सचिन तेंदुलकर, इसका राइट आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंदिरा मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन कंट्री। देखिए, ये क्वेश्चन था आपका, इंदिरा शक्ति एक्सरसाइज जो है वो किन दो देशों की सेनाओं के बीच में की हो रही है, तो ये आपका इंडिया वर्सेस यूएसए हो जाएगा, इंडिया और यूएसए के बीच में जो है ये आपका इंदिरा शक्ति एक्सरसाइज हो रही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा, रशिया इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंडिया तो शायद उसमें नाम था क्वेश्चन में, मतलब इंडिया एंड विच कंट्री, तो आपका रशिया का इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, फुल फॉर्म पूछा गया था आईपी का, तो बहुत ही सिंपल है आपका, इंटरनेट प्रोटोकॉल हो जाएगा आईपी फुल फॉर्म आपका। नेक्स्ट आपका पूछा गया था कि सिनोनिम ऑफ इनकॉमोड, तो देखिए हिंदी में अर्थ की बात करें तो इनकॉमोड का अर्थ हो जाएगा आपका रोकना या फिर प्रतिबंध लगाना, वहीं इसका इंग्लिश में यदि इसको सिनोनिम किया जाए तो सिनोनिम आपका हो जाएगा इसका डिले, देर करना या फिर रोकना। ठीक है, या फिर हो जाएगा आपका ऑब्स्ट्रक्ट। ठीक है, जो भी आपका इसमें से होगा आपका ऑप्शन में, वही आपका इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्ट और आपका डिले, इसमें से कोई, दोनों में से कोई सा भी इसलिए यूज़ कर सकते हैं। इसे अर्थ हो जाएगा इसका हिंदी में अर्थ रोकना या फिर प्रतिबंध लगाना। ठीक है, नेक्स्ट आपका फुल फॉर्म पूछा गया था आपका बी एस एफ का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस। ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF की फुल फॉर्म हो जाएगी। और दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जो भी आगे वाले पूछ लिया जाए एग्ज़ाम में कि BSF डे कब मनाया जाता है, तो ये भी पता होना चाहिए कि BSF डे आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, BSF डे इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, 1 दिसंबर को BSF डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका फुल फॉर्म ऑफ IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फुल फॉर्म पूछा गया था आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका देखिए मैथ का है, sec स्क्वायर x अपॉन cosec स्क्वायर x dx का आपको इंटीग्रल करना था। तो देखिए, cosec स्क्वायर x है इसको अपॉन में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका cos स्क्वायर x, और ये जो cosec स्क्वायर x है आपका ये ऊपर पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा, ये sin स्क्वायर x। ठीक है, इसका इंटीग्रल लगा देंगे। ठीक है, sin स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं, 1 - cos स्क्वायर x। ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x dx। ठीक है, 1 - cosec स्क्वायर को एक बार ले लीजिए, माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स से कट जाएगा ये, तो यहाँ पर एक बचेगा। 1 - cos² x कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा इंटीग्रल sec स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा आपका 1 का इंटीग्रल। ठीक है, आप sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल हम जानते हैं कितना होता है आपका, 10x होता है, माइनस आपका 1 का इंटीग्रल हो जाएगा एक्स, तो 10x - x प्लस आपका एनी कॉन्स्टेंट c हो जाएगा।
टेन एक्स माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी, ये आपका इसमें होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए करेक्ट स्पेलिंग पूछा था आपका, एम्प्लॉयड का करेक्ट स्पेलिंग बताना था। तो दोस्तों एम्प्लॉय का फुल फॉर्म पूछा था, ठीक है, ई एम पी एल ओ वाई डबल ई होता है, ठीक है, एम्प्लॉय मतलब इस प्रकार से पूछा था उन्होंने, एम्प्लॉयड नहीं था, एम्प्लॉय था इसका राइट आंसर, ठीक है। कई लोगों ने बताया भी है एम्प्लॉय, ठीक है, डबल ई आएगा एंड में। एक और क्वेश्चन था आपका, वन वर्ड फॉर द लवर ऑफ बुक्स, ठीक है, जो एक व्यक्ति जो आपका पुस्तकों से प्यार करता है क्या कहलाता है, बिब्लियोफाइल्स, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जितने बार क्वेश्चन यदि आपके पास हो दोस्तों, तो आप हमें यहाँ से नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके क्वेश्चन को हम यहाँ पर आपके नाम के साथ जो है वो जो फाइनल वीडियो होगा उसमें हम जो है इसको जरूर दिखा देंगे। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आपको वीडियो को जो है शेयर करना है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जो है शेयर कीजिए।